गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छत्रा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 14 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 पे है। अगर आप बगल के चित्र में एल जो है ना, एल त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का क्या है, लंब है और इसको समद्विभाजित भी करता है। तो ये समद्विभाजन बिंदु का कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पे डी दे देते हैं। चलिए, और वह त्रिभुज के परिवृत्त को बिंदु एम पर काटता है। ये देखिए, त्रिभुज का परिवृत्त है, ये कहाँ पे काटता है, एम पर काटता है। तो सिद्ध करना है कि वृत्त का केंद्र एल पर स्थित है, ठीक है। फिर दूसरा सिद्ध करना है कि एम जो है ना, एम बी पी सी का समद्विभाजक है, ये चाप जो बी पी सी है इसका समद्विभाजक है। और तीसरा जो ए एम जो है ना, ए एम एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, ये दिखाना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, तो एल बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है, लंब समद्विभाजक है। और क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी के परिवृत्त, परिवृत्त को एल एम पर काटता है, एम पर काटता है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, चलिए इसको देखते हैं। यहां पहला लिखना है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र L पर, L पर स्थित है, ठीक है। दूसरा क्या सिद्ध करना है, तो दूसरा सिद्ध करना है कि M चाप BPC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तीसरा क्या सिद्ध करना है आपको, तीसरा सिद्ध करना है कि ए एम एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। चलिए, तो यहां इसका प्रमाण देखते हैं। आपको याद होना चाहिए, आप पढ़े हुए हैं क्लास 9th में या 8th में भी आपको बताया गया था कि परिवृत्त है ना, परिवृत्त, परिवृत्त त्रिभुज के, त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, होकर जाता है। यानी पहला टॉप, पहला पॉइंट जो है ये आपका यहां से साबित हो गया। यहां लिख सकते हैं क्या, अतः अतः वृत्त, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र L पर स्थित है, L पर स्थित है, क्योंकि आपको पता है कि इसका लंब समद्विभाजक है L, तो इस पे वृत्त का केंद्र होगा ना अभी इस प्रमेय से। तो ये आपका पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। चलिए दूसरे के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए। यहां आपको ये पता है कि L जो है ना BC का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, लंब समद्विभाजक है, अच्छा मतलब इसको लंब भी है और समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता भी है, ठीक है। अच्छा, जब इस लंब और समद्विभाजक है तो यहाँ आप BD बराबर CD कह सकते हैं, ये जो D पॉइंट दिया ना, तो ये BD CD के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो लंब है और इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि इसके संगत चाप भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि चाप BM बराबर हो जाएगा चाप CM के, यानी कि ये कह सकते हैं कि M जो है, M चाप BPC का समद्विभाजक है ना, ये इसका समद्विभाजक है। ये आपका दूसरा भी साबित हो गया। तीसरा देखिए, अच्छा आपको पता है कि समान चाप, समान चाप वृत्त पर, वृत्त पर समान कोण बनाते हैं, समान कोण बनाते हैं,
है कि नहीं। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं जब ये चाप बीएम जो है चाप सीएम के बराबर, तो यहाँ वाला कोण समान हो जाएगा, यानी एंगल बीएम बराबर हो जाएगा एंगल सीएम हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों कोण बराबर होने के बाद इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि एएम एंगल बीएसी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, यहां से ये आपका साबित हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समकोण पर काटते हैं। चलिए तो एक पहले वृत्त बना लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। चलिए एक चक्रीय चतुर्भुज ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और फिगर लंबा हो जा रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। चलिए ये वृत्त का केंद्र इसमें दिखाना है तो दिखाइए, नहीं तो वृत्त ये खींच के इसके बाद हम लोग इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ले लेते हैं। चलिए तो ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक है। देख रहे ना, चारों शीर्ष वृत्त पर छू रहा है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। चलिए ये वृत्त हो गया और इसके अंदर ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अच्छा, इसका केंद्र यहाँ होगा। चलिए पहले इसके विकर्ण को मिला देते हैं यहां से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, तो क्या दिया हुआ है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समकोण पर काटते हैं, यानी कि यहाँ ये वृत्त का केंद्र हो गया और यहाँ ये समकोण बना रहे हैं, एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। तो सिद्ध करना है कि उनके प्रतिच्छेद बिंदु से, अच्छा उनके प्रतिच्छेद बिंदु से, ठीक है, उनकी भुजाओं पर खींचे गए लंब को बढ़ाए जाने पर सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगी। यानी कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ ए से है, तो इस पे जो लंब जो खींचा गया है इस पे, ठीक है, इस पे ये लंब खींचा हुआ है, इसका नाम कुछ देते हैं यहाँ पे ओ ई लंब है। तो अगर इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाए तो इसकी सम्मुख भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, ठीक है। यानी कि ये जो है ओ एफ जो है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, किसको, ये डी सी को। चलिए तो यही सिद्ध करना है, तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या दिया है कि विकर्ण कौन कौन से विकर्ण है इसमें, तो विकर्ण है आपका ए सी और बी डी एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समकोण पर काटते हैं। और क्या दिया है, यहां जो है ना ये लंब बढ़ाए हैं हम लोग इधर, है ना, तो ये लिखेंगे कि एक लंब दिया है, यानी कि ओई जो है ना वो लंब दिया है एबी पर, ठीक है। ये ना कह रहा है कि यदि उनके प्रतिच्छेद बिंदु की उनकी भुजा पर खींचे गए लंब, यानी कि एक भुजा पर जो खींचा गया लंब है इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सम्मुख भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये जो OF है ना OF DC का या CD का समद्विभाजक है, ये आपको दिखाना है। या OF लिखिए या पूरा EF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, OF की जगह EF भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम EF ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका प्रमाण देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर भी काटते हैं। तो ऐसा कब होता है, जब ये वर्ग होगा तभी ना होगा, वर्ग में ही ना 90 पे काटता है, और चक्रीय चतुर्भुज होगा दो चीजों में काटता है, एक तो काटता है सम चतुर्भुज में, ठीक है, और एक काटता है वर्ग में। तो सम चतुर्भुज तो कभी भी आपका क्या चक्रीय चतुर्भुज नहीं हो सकता है जब तक कि वो वर्ग ना हो, यानी कि वर्ग ही होगा। तो यहां लिख देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज
ए बी सी डी के विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को केंद्र ओ पर समकोण पर काटता है, यानी कि ये वर्ग है, एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है, काटता है, यानी कि यह लिख सकते हैं इसलिए एबीसीडी एक वर्ग है। अच्छा वर्ग है, और ये भी दिया कि चूंकि ओई लंब है ए बी पर, तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि ओ एफ भी लंब होगा डी सी पर, हो जाएगा ना आसानी से लंब। अच्छा लंब होगा, चलिए ये देखिए, अभी आप देखे थे, आप शायद पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे सर्वांगसम करके, देखिए इस पर लंब है और ये इसके बराबर ही होगा, होगा ना। अच्छा तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखा सकते हैं, है ना, चलिए तो सर्वांगसम भी दिखा सकते हैं या इस उससे ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ सर्वांगसम ही दिखाना अच्छा रहेगा, त्रिभुज ओ डी एफ तथा त्रिभुज ओ सी एफ में। देख लीजिए पहला आप देख रहे हैं कि एंगल ओ एफ डी बराबर एंगल ओ एफ सी, प्रत्येक 90 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आप देख रहे हैं OD बराबर OC, क्योंकि ये एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं ना, वर्ग के प्रत्येक खंड बराबर होंगे, या चाहे तो लिख सकते हैं कि ABCD वर्ग है इसलिए ऐसा हो रहा है, ABCD एक वर्ग है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अच्छा तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा OF बराबर OF, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो अब यहां से आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम लिख सकते हैं, कैसे, आरएचएस से, और सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा ना, ये आपका डीएफ बराबर सीएफ। तो चलिए ये लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, तो यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज ओडीएफ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओसीएफ के, कैसे, तो आरएचएस से, और जब सर्वांगसम हो गया तो यहां से डी एफ बराबर सी एफ तो आसानी से लिख सकते हैं सीपीसीटी से। अच्छा सर्वांग ये जब ये बराबर होने का मतलब ये ना है कि यहाँ पे ई एफ जो है डी सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समझ गए, तो ये आपका प्रमाणित हो गया। तो देखिए यही दो क्वेश्चन थे लास्ट में, अब आप ऑब्जेक्टिव तो बना ही लीजिएगा, बहुत इजी जो ऑब्जेक्टिव दिए गए, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे आपको रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7301 77 88 99। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।